हेलो चेक है लाइव है ओके मैं तो ये नहीं है चेक चेक साउंड चेक ऑल ओके क्या लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट जस्ट चेक एम लाइव इज द ऑडियो विडियो ऑल गुड टू गो जस्ट लेट मी नो ऑल ओके जस्ट लेट मी नो लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स ऑल राइट येस क्लियर चलो शुड बी स्टार्ट गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल द लाइफ स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स सो लेट गेट्स लेट स्टार्ट यस रिश्व आड माई ब्रेकफस्ट हैवी यू गाइज हैव यू ब्रेकफस्ट नो और येस इतना जल्दी नहीं ब्रेकफस्ट करते ठीक है उसके बाद मेरे बाद मैथ्स का क्लास है ही ना हाँ ठीक है ऑल राइट सो वो जो सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड है ना जो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है वो हम करते हैं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं राज राजजी सिंह माई वॉइस इज नॉट क्लियर आई थिंक इट्स ओनली एट योर एंड बेटर बिकॉज एवरीबडी एल्स इज ओके एवरीबडी एल्स के लिए द साउंड इज ओके करे मैंने आपको ये होमवर्क के लिए दिया था तो ये डिस्कस करते हैं इसके बाद और एक एक्सरसाइज है We'll do that also and then we will uh, direct indirect के बाद I'll start with some idioms and vocab वाला part और आज और कल मैं मैं कोशिश करूंगी कि we'll try and finish it because again Wednesday is my um, marathon सो इंटर मैराथन जी एस टी का है तो मैं वेनसडे को तो क्लास नहीं लूँगी तो ट्राई करेंगे कि कल ख़त्म करेंगे कुछ रह गया तो मैं आके थर्सडे को कम्प्लीट कर दूंगी बट देट दैट्स इट देन दैट विल बी द लास्ट क्लास ओके यस साउंड इज ओके ग्रेट मैम साउंड को इंक्रीज को बेटा ऑन यूट्यूब यू हैव टू डू इट एट योर एंड बिकॉज इट्स एट मैक्सिमम इस पे है ठीक है चलो अब हमने कितने डिस्कस किए थे उस दिन हाँ एफ तक ओके ऑल राइट सो लेट्स हम जी से लेके आगे डिस्कस करते हैं और फिर मैं एक ही साथ आंसर भी चेक करूंगी मॉडल के तो इमीजिएटली आप चेंज मत करो लेट्स ऑल्सो क्रॉस चेक विद द मॉड्यूल आंसर फर्स्ट आई हैव डन एंड देन वील एंड क्रॉस चेक विद द मॉड्यूल आंसर चलेगा क्या हाँ सो हियर नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ओके ग्रेट नाउ इट्स गुड द साउंड इज गुड नाइस ठीक है अब फोकस करेंगे नाउ लेट एज अंडरस्टैंड जी आई हैव टू चेक राइट क्या जी हो गया है नहीं ओके द बॉयज हैव कंप्लीटेड द जॉब एज प्रोमिस्ड सो ग्रेट आपको वैसे मार्क्स कैसे आए टेस्ट में डिसेंट अरे बोलो ना मैं तुमको पूछ रही हूँ सबको फेस टू फेस वालों से बात कर रही हूँ तुम्हारे मतलब आई आई डेंट चेक तो मार्क्स कैसे आए डिसेंट है क्या वॉट इज डीसेंट 50% परसेंट एंड इज डिसट नो 60, अपने को कितना आउट ऑफ हंड्रेड इफ़ यू टू स्कोर सिक्सटी दैट्स वेरी गुड स्कोर सो एनी लाइक अबाव फोर्टी फिफ्टी परसेंट अबाउ फोर्टी परसेंट टू युड स्कोर सो हाउ वॉज यूर स्कोर डीसेंट या कैसा था अरे सबको पूछ रहे हो बोलो तो ओके okay था तुम्हारा हाँ टेस्ट ही नहीं दिया एप्लीकेबल ही नहीं है तुमको अवगढ़ है अरे रे। लिस्ट में नाम ही नहीं है तो गेट इट तेरा भी नहीं है तो गेट इट सॉल्व फ्रॉम वेणुगोपाल से करवाया क्या आपने सॉल्व मंडे को करेंगे ठीक है अगर नहीं हुआ तो मुझे बताना कल वापस मंडे uh, मतलब आज हाँ तो आज नहीं हुआ तो टेल मी टुमारो देन आई अ वर्ड विथ हिम तो ठीक है ना चलेगा सो गुड गुड मार्क्स एनीथिंग अबाउ आपको मार्क्स कितने कितने मार्क्स की टेस्ट थी आपके फिफ्टी सो अबाउ फिफ्टी का हाफ इज ट्वेंटी फाइव राइट सो एंड अबाउट ट्वेंटी फाइव थर्टी अबाउट थर्टी इज वेरी गुड वेरी गुड थर्टी एंड अबाउ इज वेरी गुड एंड इफ यू गेटिंग लेस यू शुड यू नो दैट यू नीड टू प्रैक्टिस उसमें कोई मार्क्स ये मार्क्स आपको डिसाइड करेंगे कि पासिंग या फेलिंग नहीं ना ये हम इसलिए टेस्ट देते सो दैट वी नो एंड अंडरस्टैंड वेर वी स्टैंड समझ में आता है ना इससे अपने आपको जज नहीं करने का इससे डायरेक्शन लेने का कि शुड आई गो अहेड क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ में आ रहा है क्या अंश कुछ भी बोल रहा फोर्टी नाइन मार्क्स मिले तुझे यू गॉट फोर्टी नाइन आउट ऑफ फिफ्टी फोर्टी नाइन भी है इंग्लिश में रियली हो दिस फिफ्टी भी है मुझे चेक करना पड़ेगा पेपर्स देखने पड़ेंगे मस्त पेपर्स है फिर ऐसे फिफ्टी भी थे वाह फोर्टी सेवन फोर्टी नाइन फोर्टी सिक्स मुझे उनसे सीखना पड़ेगा अभी इंग्लिश ऐसे मेरे को लग रहा है फिफ्टी मार्क्स ठीक है आई एम तो वेरी हैप्पी विद एनीथिंग अबाउट थर्टी ऑल्सो अबाउट थर्टी इज ऑल्स वेरी गुड रियलिस्टिक एंड वेरी गुड मार्क्स कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आउट ऑफ फिफ्टी यू गॉट थर्टी मीनस इट्स अ गुड परसेंटेज इट्स अ गुड परसेंटेज वाइज देखोगे तो अच्छा है थर्टी मार्क्स आउट ऑफ फिफ्टी मतलब कितना पर्सेंटेज हुआ हाँ सिक्सटी सो दैट्स अ गुड परसेंटेज दैट्स अ गुड थिंग है कि नहीं तो फिर उतना अगर आप रियल एग्जाम में भी फोर्टी में से आप सिक्सटी परसेंट लेके आते हो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव एंड ह्यर इन लॉ यू गेट थर्टी थर्टी फाइव तो यू you नो know, और भी आप कोशिश करो कि सिक्सटी की जगह सिक्सटी फाइव परसेंट तक चले जाओ सो दैट लॉ में जो भी मार्क्स मिलेंगे तो आपको वो स्कोर करने में हेल्प कर देगा ठीक है ना यस yes. चलो सो लेट्स थैंक यू राज, ओके, तू इंटर में था क्या आई एम फ्रॉम नेपाल ओके ठीक है चलो अब कंटिन्यू करते द बॉयज द जॉब एज प्रोमिस्ड द बॉयज हैव कम्प्लीटेड द जॉब एज प्रोिस ये तो खुद में ही अपना एक सेंटेंस है द बॉयज हैव कम्पलीटेड द जॉब एज प्रोिस सो वी शुड गिव देम क्रेडिट एंड पे देम अकॉर्डिंगली सो वी शुड गिव देम क्रेडिट एंड पे देम अकॉर्डिंगली ठीक है सो दिस इज अनादर मेन क्लॉज सो ये दो मेन क्लॉजेस जोड़ रहा है तो दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस करेक्ट है ना द बॉयज कंप्लीटेड द जॉब सो वी शुड पे देम अकॉर्डिंगली सो ये दोनों क्या है कंपाउंड सेंटेंस है करेक्ट है ना कल मैच देखिएगा तुम लोगों ने क्रिकेट मैच देखी अच्छी हुई ना हाउ इट स्टार्टेड विद अ वेरी बैड दिस थिंग विद थ्री विकेट्स गॉन एंड देन इट रियली अप वेरी वेल है ना यस yes. ठीक है बाद में अच्छा खेला yes. विराट कोहली एंड के एल राहुल यस सो दे डिड अ जॉब जॉबे ठीक है तो बट वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज सी आप है ना कभी कभी एग्जाम के लिए इवन जब डिसाइड करके जाते हो कि आई हैव टू स्कोर सो मच इन दिस पेपर ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते जैसे क्रिकेट मैच में द बैट्समैन कान डिसाइड दैट मैं अभी जाके इस मैच में सेंचुरी मार के आऊंगा इट डिपेंड्स ऑन द पिच इट डिपेंड्स अपॉन द बोलर इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बॉल दैट्स कमिंग सो यू कैन सी ऑन दिस बॉल आई एम गोड हिट अ सिक्स यू कैन डिसाइड दैट यू कॉन्ट डिसाइड एंड गो कि मैं ऐसा ही करूँगा मैं पहले बी सी आर सॉल्व करूंगा मैं ऐसे इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन आपका मेंटल माइंड सेट कैसा है आपका पेपर कैसा आया उसके ऊपर डिपेंड करता है तो बहुत बार बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो अकाउंट्स में मेरा प्लस पॉइंट है तो आई एम गोटू गेट सिक्सटी बाकी सब्जेक्ट्स में इतने इतने मार्क्स ये डिसाइड नहीं कर सकते हम नोबड़ी कैन डिसाइड द बेस्ट बैट्समैन ऑफ आर टीम ऑल्सो कॉन्ट डिसाइड एंड गो कि इस मैच में मैं ये ऐसा खेल के आऊँगा समझ में आ रहा है तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है ठीक है चलो सो एच पॉइंट द अर्लियर मे अर्लियर मोबाइल फोन्स व बल्कि द लेटेस्ट मॉडल्स विच आर स्लीक हैव मेनी मोर फीचर्स यू नो इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आई टेल यू हाउ द मार्क द मेन क्लॉज द अर्लियर मोबाइल फोन्स व बल्कि ये खुद में एक सेंटेंस है क्या है द लेटेस्ट मॉडल्स हैव मोर फीचर्स ये भी एक खुद में सेंड लेटेस्ट बीच में क्या है क्या आया द लेटेस्ट मॉडल्स विच आर स्लीक विच आर स्लीक एक फ्रेज या एक क्लॉज है विच आर स्लीक खुद में ये नहीं कुछ बोल सकता है तो विचार स्लीक ये क्या बन जाता है बेटा दिस बिकम्स अ सबॉर्डिनेट क्लॉज सो दो मेन क्लॉज और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अच्छा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे भी आप यूज कर सकते हो यू कैन कॉल इट एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आप कंपाउंड पहले यूज करो या कॉम्प्लेक्स पहले यूज करो दोनों भी चलता है सो आई कैन कॉल इट एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और आई कैन कॉल इट एज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इज दैट ओके पक्का ऑल राइट सो अर्लियर मोबाइल फोन्स व बल्कि एंड द लेटेस्ट मॉडल्स विच आर स्लिक मोर फीचर आई में आई थिंक आईसीआई का कुछ तो अलग पॉइंट होगा बट ठीक है हम चेक करते हैं मैम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या बोल रहा है तो मैंने भी वही बोला है ना हाँ ठीक है नंदिता ओके ना okay. आय आपने क्या किया बेटा मैंने भी पहले सिंपल यह किया था नहीं बट देखो ना टैक्सीशन विदाउट रेप्रेजेंटेशन वॉज अ कॉमन कंप्लेन विथ टू हंड्रेड इयर्स अगो सो टैक्सेशन विदाउट रेप्रेजेंटेशन मतलब विथ टैक्सेशन टैक्सेशन जिसमें विदाउट रेप्रेजेंटेशन मतलब आज है ना अगर इनकम टैक्स ऑफिसर आपको बोलता है नहीं नहीं ये तुम्हारा वर्किंग सही नहीं है तुमको और ज्यादा टैक्स देना है तो आपको उसकी बात माननी ऐसा जरूरी ही नहीं है आप अपील कर सकते हो कोर्ट में जा सकते हो उसके डिसीजन को चैलेंज कर सकते हो मतलब यू कैन रेप्रेजेंट योर सेल्फ सो टैक्सेशन विदाउट रेप्रेजेंटेशन मतलब ऐसा टैक्सेशन जिसमें हम खुद को रेप्रेजेंट नहीं कर पाते दिस वॉज अ कॉमन कंप्लेन टू हंड्रेड ईयर्स को अभी ऐसा नहीं है आज का टैक्सेशन वैसा नहीं है सो so, कौन सा वाला टैक्सेशन टैक्सेशन विदाउट रेप्रजेंटेशन तो हम बात कर रहे हैं क्या बेटा टैक्सेशन विदाउट रेप्रजेंटेशन की सो दिस इज अ क्लॉज वेर आई एम टॉकिंग अबाउट विच टैक्सेशन टैक्सेशन विच हैड नो रेप्रजेंटेशन सो टैक्सेशन विच हैड नो रेप्रेजेंटेशन

So I don't think what they are saying is right. They are saying it's a complex compound. So module I says it's a complex compound. But according to this is a complex. One part is taxation without representation. I can said it like this. Taxation which had no representation facility or taxation which had no representation was a complaint. टू हंड्रेड इज अगो तो ये दो क्लॉजेज है इसमें से दिस इज अ कंप्लेंट ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है एंड टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन ये डिपेंडेंट क्लॉज है तो इसलिए ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स इसलिए ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स समझ में आ रहा है क्या हेलो बेटा एफ वाला बता दू आई वॉन्टेड टू गो टू आई मिस्ड आउट क्या ओके आई वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट टूडे बट द टू एम प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग सो आई वॉन्टेड टू गो टू दार्केट टूडे इज अस दिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग सो मेन दिस को जोड़ के क्या हो गया कंपाउंड कंपाउंड सबसे ईजी है आईडेंटिफाई करने को है ना हाँ आई वाला सिंपल मुझे पहले लग रहा था बट आई है कॉम्पलेक्स सेंटेंस ओनली टेक्सेशन विदाउट रेप्रेजेंटेशन

बट वही तो बोरिंग है ना मतलब ऐसा तो दो मेन क्लॉजेज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और आप बोल सकते हो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है ना चार टाइप के सेंटेंसेस है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ वन यू कैन कॉल इट कॉलिटाइज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कुछ भी कॉम्बिटेशन uh, कॉम्बिनेशन मतलब कहीं पहले कॉम्प्लेक्स यूज करूँ या पहले कंपाउंड यूज करूँ ठीक है अरे हा ना ग्रामर ऐसा ही है गुरु ऐसा मत बोल जाने दे बाकी तुझे समझ में आ रहा है ना तो यू स्टिक टू दैट ये एक मार्क के लिए आया तो आएगा यार इसमें भी डोंट ऐसे पूरे चैप्टर को बदनाम नहीं करने का देखो इस चैप्टर में तीन पार्ट है एक्टिव पैसे आपको जमा की नहीं आया ना यस डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया कि नहीं यस सो टू थर्ड ऑफ द चैप्टर आपको आ गया सिर्फ वन थर्ड थोड़ा सा मुश्किल और वो वन थर्ड आज जेन्युअनली मैं आपको बोलूँ पूछा ही नहीं है इतना फ्रीक्वेंटली बहुत रेयरली आता है बहुत रेयरली मैंने तो देखा ही नहीं है इस पे क्वेश्चंस पूछे हुए समझ में आ रहा है क्या तो दिस वेरी रेयर सो दैट वन थर्ड के लिए अननेसेसरली इसको बदनाम मत करो ठीक है ना आगे बिफोर आई वॉज बॉर्न माई मदर वर्क एज अ रिसेप्शनिस्ट सो माई मदर वर्क एज अ रिसेप्शनिस्ट इज मेन क्लॉज एंड बिफोर आई वॉज बॉर्न बिफोर आई वॉज बॉर्न भी आप कुछ बोल ही रहे हो ना बिफोर आई वॉज बॉर्न लेकिन वो कंप्लीट नहीं है मेन क्लॉज सो बिफोर आई वॉज बॉर्न माई मदर वर्क एज अ चढ़ गए देखो वो तो एकदम से मैं ऐसे मुझे कुछ तो मूव हो रहा है ऐसे दिखा इसलिए मेरा ध्यान उधर गया <laughs> कहाँ से ये बिल्ली आ जाती है मेरे को तो समझ में नहीं आता इस क्लास में अभी उसको कहाँ जाना है उधर ही बैठ जा अभी तो जाती है वो जाने दो चलो ये ऊपर से जा रहे हैं हमारे पहले ये करते हैं <laughs> चलो ये क्या है कौन सा पढ़ रही थी मैं हाँ तो ये के में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा सब कुछ डिफिकल्ट नहीं है तो दिस के इज कॉम्प्लेक्स ओली के कॉम्प्लेक्स ही है समझ में आ रहा है ना ओके okay? हाँ तो ये कोई मुश्किल नहीं है अब देखो गो टू द स्टोर एंड गेट सम मिल्क सो दिस इज वन मेन आई कैन सी एक ही मेन भी बोल सकती हूँ एंड मतलब आई कैन इवन से दैट दिस इज वन मेन आई कैन ऑल्सो से गो टू द स्टोर एंड गेट सम मिल्क आई मस्ट हैव योर केक बेक्ड सो आई मस्ट बेक योर केक गो टू द स्टोर एंड गेट सम मिल्क गो टू द स्टोर एंड गेट सम मिल्क इज वन कम्प्लीट सेंटेंस आई मस्ट बेक योर केक क्या हो गया अभी इंटर के क्लास में गए क्या यहाँ से ऊपर क्या इंटर ही है ना हाँ ना तो बीच में वायर है फिर उधर भी ऐसा सीलिंग थोड़ा ओपन है वहां से ऐसे आएगी क्या उधर भी ऐसा एक दो ये जो टाइल्स है ना निकली हुई है हाँ हाँ बीच में एक स्लैब तो होगा थैंक गॉड फिर वो इंटर की क्लास में नहीं आएगी इंटर की क्लास में एक बार चूहा आया था बाप रे, हाँ क्या बाप रे, ठीक है चलो चलो आई एम फिनिशिंग द क्लास फास्ट सिलेबस आई डो ये बिल्ली क्या है चलो लेट्स फिनिश हम्म चलो फिनिश करेंगे ना, उसको बी सी आर पढ़ने के लिए आती है वो चलो आगे जाएंगे अटेंडेंस देखो कितना कम है ग्रामर है तो इसलिए अटेंडेंस कितना कम है चलो कौन सा हा गो टू द स्टोर एंड गेट सम मिल्क आई मस्ट हैव योर केक बेक सो आई विल बेक योर केक आगे अब क्या हुआ वहां पे क्या हुआ अरे क्या हुआ इन टाइम In time for the party. So, in time for the party is a, what clause? Subordinate <laughs> clause. So, this is a complex compound. So, this is a complex compound. Are we all okay? It is a complex compound. Don't tell me. You can't find your backpack. So, you can't find your backpack is what? A main clause. Don't tell me is a subordinate okay. clause.

It becomes a complex sentence.. when you were renovating, did you hire contractors or did you do the work yourself? So did you hire contractors? Did you do the work on your own? Your main clause is cub when you were renovating. see if I just come and talk to you, did you hire a contractor? I understand the question. Did you do the work yourself? I understand the question. When you are renovating, I just come and say when you were renovating, and then I'm like, ha, aage kya, kya bole kya ho. So when you were renovating, what? So when you are renovating, doesn't make any sense independently. So when you were renovating is the subordinate clause. Remaining two are main clauses. So I have two main clauses and one, 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 one subordinate. So this is complex compound. Now Mr. Jones has a lot of books. He is well informed about the current uh, current events.

अगर कुछ बचा तो थर्सडे अदरवाइज आई थिंक टुमारो और थर्सडे शुड बी द लास्ट डे ऑफ द क्लास ठीक है अच्छा, अब हम और एक है ना रे तुम्हारे पास एक्सरसाइज मेरे पास है ही नहीं वो एक्सरसाइज है, है मिल गया उई। Oh God! Bapri, I'm not sitting here. <laughs> I'm calling that Raj. What is wrong? what is wrong? What is wrong? What is she want? Who is that? Uh, कौन है यहां पे कैट लवर कौन है जातू जातू कुछ तो कर उसको <laughs> मुझे नहीं पता चलो लेट्स फिनिश ए ऑन आइडेंटिफाई एक्सरसाइज टू आप खुद से करो फिर चेक करेंगे ए hey, चलो स्टार्ट एक्सरसाइज टू फास्ट हेलो आप नीचे आएंगे क्या दो मिनट हाँ 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 अरे ये बोल रहे मैम क्या हो गया चलो जल्दी से करो यस yes. मैम हम आपको मिस करेंगे डोंट वरी तुम जल्दी में इंटर में आ जाना तो हम इंटर में मिलेंगे फिर आओ चलो भगवान का नाम लेके स्टार्ट करेंगे चलो तुम्हारा हो गया क्या एक्सरसाइज करके नो नाउ देर लाइव स्ट्रीमिंग मस्ट भी वंडरिंग सी क्लास के ऊपर है ना ऐसा एक फ्लोरिंग uh, क्या बोलते हैं अपन सीलिंग किया हुआ है दैट पीओपी जैसा नहीं है बट एक जैसे एक फोम शीट डाली हुई है तो द बिल्ली जो है तो कैट जो है वो ऊपर उसके ऊपर चढ़ गई और वहाँ से कहीं ना कहीं आ रही है सो वी डोंट नो हमारे ऊपर कहाँ से और कब गिरेगी अवघड़े हैं चला हो गया क्या एक्सरसाइजेस में चेक अरे लाइब्रेरी में पढ़ना या कहाँ पढ़ना ये या आपको डिसाइड करना यार नो प्रॉब्लम घर पे साइलेंट प्लेस नहीं है तो सिट लाइब्रेरी नो प्रॉब्लम उफ। मेरे आईपैड का कैमरा ऑन करके दिखाओ बट वो ऊपर चली गई अभी वापस आएगी तो दिखाती हूँ राधे राधे तनिष्का चलो हो गया क्या तुम्हारा चेक करे मैं मॉड्यूल से ही चेक करूँ क्या क्या हुआ तो इधर नहीं आएगी दो बाकी क्लासेस के टाइम नहीं आती है क्या अरे हाँ क्या सुबह ही आती है उसका टाइम सुबह का है ओके चलो लेट्स चेक आता काय झालं चलो।, चलो मैं मॉड्यूल के आंसर से चेक कर रही हूँ डायरेक्ट क्या पहला कंपाउंड है क्या कंपाउंड और उन्होंने क्या बोला है? देखते हैं मॉड्यूल बोल रहा है द फ्लैश लाइट्स द फ्लैश फ्लड सॉरी वाइप्ड आउट द टाउन ये एक मेन क्लॉज है और दूसरा लकीली देवर नो कैजुअलिटीज ये और एक मेन क्लॉज है सो द फ्लैश फ्लड वाइप आउट द टाउन एंड देवर नो कैजुअलिटीज दोनों मेन क्लॉजेस है और उनको जोड़ने जोड़ा जोड़ के किया है तो इसलिए ये सेंटेंस क्या बन जाता है कंपाउंड आगे आगे बी इज ऑल्सो कंपाउंड सही है क्या आपका ही स्वैम अक्रॉस द चैनल इन फाइव आर्स

नहीं है ना ऊपर चली गई वो जाने दो आई डोंट नो हाँ जाने दो अभी मत आप ढूंढो उसको कहीं नहीं तो इधर आ जाएगी फिर हाँ ठीक है हम्म पॉइंट सी देखो अरे सी पॉइंट देखो चलो सिलेबस कंप्लीट करने का डोंट डू टाइम पास चलो सी कॉम्प्लेक्स इफ यू कैनॉट इफ यू कैनॉट डू दिस जॉब या दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज आई विल आस्ट समल्स टू डू इट फॉर मी सो आई विल आस्ट समू इट फॉर मी ये क्या है मेन क्लॉज है इफ यू कैनॉट डू दिस जॉब इफ यू कैनॉट डू दिस जॉब क्या तो क्या करोगे क्या मुझे निकाल दोगे किसी और को ढूंढोगे इस टाइप का तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स हो गया ठीक है आगे डी इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंट क्या है

थोड़े से ये शब्दों का खेल होता है दो शब्द निकाल दो तो वो कंपाउंड बन जाता है दो शब्द ऐड कर दो तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू वर्ड्स ओके सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना अगला आपने क्या लिखा है फॉर ई इंडिपेंडेंट क्लॉज में बोला अ मैन हु सर्व इज फेलो ह्यूमन बींग्स पर्सनली इज मोर वर्चुअस सो जो दूसरों की मदद करता है उनको हेल्प करता है वो वर्चुअस होता है मतलब वो बहुत नोबल पर्सन होता है देन अ मैन हु ओनली डोनेट्स मनी फॉर अ नोबल क्लॉज सो सिर्फ पैसे डोनेट नहीं करना बट एक्चुअली जाके काम करना इन दोनों में फर्क है ऐसा बोल रहे हैं वो सो ओ अन हु ओनली डोनेट्स मनी फॉर अ नोबल क्लॉज अ मैन हु ओनली डोनेट्स क्या इसको मैं इंडिपेंडेंटली आके बोलूंगी मैन ओ हु ओनली डोनेट्स तो आप बोलोगे क्या मैम आप बोल कह रहे हो तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है सो दैट इज अ एक डिपेंडेंट एक मेन ये क्या बन गया कॉम्प्लेक्स चलो मुझे जल्दी बोलो सिंपल में एक मेन क्लॉज होता है कंपाउंड में दो मेन क्लॉजेस होते हैं कॉम्प्लेक्स में एक मेन और एक सबऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो मेन और एक सबऑर्डिनेट सबॉर्डिनेट फिर एक हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है ठीक है अब एफ इंडिपेंडेंट क्लॉज है द सोल्जर्स वर आज टू कैरी आउट द ऑर्डर्स डिपेंडेंट सॉरी द सोल्जर्स वर आज टू कैरी आउट द ऑर्डर्स सो सिंपल है वी वाज द सोल्जर्स द सोल्जर्स आज टू कैरी आउट द ऑर्डर्स कमांडर हैट गिवन दो विच द कमांडर हेट गिवन क्या बन गया डिपेंडेंट सबॉर्डिनेट hmm. फिर से जी भी कॉम्प्लेक्स है सब कॉम्प्लेक्स इधर इट इज अ स्टिच इन टाइम इट इज अ स्टिच इन टाइम दैट सेव्स नाइन सो दैट सेव्स सेवन एज सबऑर्डिनेट करेक्ट आगे कंपाउंड है एच देखो एच क्या है एच क्या है क्या हो गया हाँ ठीक है।, है 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 हम्म चला ए तू कम का है? Compound है का का चलाउंड इज द आर्किटेक्चर ऑफ द हाउस अपीलिंग मतलब द आर्किटेक्चर ऑफ द हाउस इज नॉट अपीलिंग द इंटीरियर इज ऑल्सो नॉट डन प्रॉपरली सो नाइदर ये इससे सिर्फ हमने ज्वाइन कर लिया है ठीक है ना इधर द आर्किटेक्चर ऑफ द हाउस इज अपीलिंग नॉट द इंटीरियर ऑफ द हाउस इज डन वेल मतलब आर्किटेक्चर भी अच्छा नहीं है और <laughs> यार तू ऐसे मत करना तू इनको दिखाओ क्या ओ ये हा ना जाने दो यार चलो अपने को सिलेबस कंप्लीट करने का है चलो कॉम्प्लेक्स मैं आधा घंटा आज क्लास जल्दी लिया है, वो बिल्ली बिल्ली नहीं करने का अपने इंडिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज वेन इट सूट हिम सो वेन इट सूट हिम वेन इट सूट हिम ये क्या हो गया डिपेंडेंट ठीक है अब कंपाउंड सेंटेंस है जे वाला अनिल डिड हिज ओन वर्क ये क्या सीधी सी बात है ना अनिल डिड हिज ओन वर्ड ये क्या है ये इंडिपेंडेंट है अनिल हिज वर्क ही अदर्स कंप्लीट ये भी इंडिपेंडेंट है ही हेल्प अदर्स तो ये भी इंडिपेंडेंट है अनिल डिड हिज ओन वर्क एंड ही हेल्प अदर्स टू कंप्लीट दैर्ज ये एक कंपाउंड है उसको पूछो समझा क्या कंपाउंड <laughs> है था? लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स यस एनीबडी हैविंग एनी डाउट थैंक गॉड खत्म हो गया उसको बोलो नहीं समझा यस सो आर वी ऑल डन ये टॉपिक इज फाइनली डन ओके यस ठीक है अब वो कैबलरी वाला पार्ट ओपन करेंगे और वो कैबलरी में ईडियम्स वाला एक्सरसाइज ओपन करेंगे चलो जल्दी करो वो कैबलरी में ईडियम्स वाला पार्ट ओपन करके कम ऑन पेज आई डोंट नो व्हाट इज योर पेज नंबर फोर्टी फोर है क्या फोर्टी एट है चलो कुछ ईडियम्स हो गए कुछ ईडियम्स यहां से करेंगे वेन द क्लास विल गेट ओवर मोस्टली द क्लास विल गेट ओवर टुमोरो कल हम कोशिश करेंगे कि कल हम खत्म करेंगे कोशिश तो यही रहेगी चलो आगे आई थिंक इसमें से कुछ कुछ आपके पास ऑलरेडी है लिस्ट ऑफ इडियम्स आप ओपन कर सकते हो सो जस्ट ओपन योर लिस्ट ऑफ इडियम्स ब्लैक शीप आई हैव ऑलरेडी गिवन यू ही इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली ही इज अड वन आउट मतलब ये अच्छे नहीं ये बुरी तरीके से हम बोल रहे हैं क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऐसा मत करो कि मैं अलग हूँ ये आपकी तारीफ नहीं हो रही है ये आपकी बुराई हो रही है द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली इज नॉट सेड इन अ गुड सेंस बट इट इज सेड इन अ बैड सेंस अ बेड ऑफ रोजेज अ कंफर्टेबल लाइफ विथ ऑल लग्जरी सो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज ठीक है सेंटेंस का टाइप तो बता सकते हैं पर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्या है ये नहीं बता सकते कोई बात नहीं आने के मोस्टली दे देख ओके टू बीट ब्लैक एंड ब्लू भी हो गया है टू ब्लो वन ट्रम्पेट भी है किन किन भी है अ हार्ड नट टू क्रैक भी है जैसे सी एज अ हार्ड नट टू क्रैक बट आई एम गोट गिव इट माई बेस्ट शॉर्ट अ हार्ड नट टू क्रैक तो ब्रेक करने के लिए बहुत मुश्किल है क्रैक करने के लिए बहुत मुश्किल है सो अ हार्ड नट टू क्रैक है या नहीं है नहीं है तो चलो ऐड करो उधर

चल। लिखा हार्ड नट टू क्रैक इज डन है क्या a cold reception मैंने दे दिया था आपको you know, when, ऐसे कोई लोग होते हैं ना जिनसे आप मिलते तो वो बहुत होते हैं मतलब, अपनापन लगता है और कोई कोई लोग होते हैं वो आते हैं और आपको मतलब जिस चले भी जाते तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है वेरी कोल्ड रिसेप्शन हम उनके यहाँ गए घर गए इतना कुछ नहीं हाँ हेलो हेलो ऊपर ऊपर से ये था ऐसे बहुत वार्म नहीं था ठीक है ओके है क्या अ कोल्ड रिसेप्शन है क्या आपके पास तुम जवाब देने वाले हो क्या मुझे नहीं है तो कोल्ड रिसेप्शन ये आप लिख के लोगे अयो सॉरी आई हैव टू हाईलाइट अ कोल्ड रिसेप्शन इज अनवेलकम एंड अ हार्ड नॉट टू क्रैक लिस्ट में ऐड कर दो कोल्ड रिसेप्शन का एग्जाम्पल वी वेंट टू पार्टी बट वी गॉट अ वेरी कोल्ड रिसेप्शन हम उनकी पार्टी में गए उन्होंने हमको बुलाया था हम गए लेकिन इतना उन्होंने वेलकम हमें बहुत अच्छे से नहीं किया सो वी वेंट टू पार्टी बट वी गॉट अ कोल्ड रिसेप्शन लवकर सांग मतलब जल्दी करो हाँ जल्दी बताओ ओके आगे लायन शेयर वीव डन नहीं नो ओके सो लायन शेयर भी लिख के लो पता है क्या जब शेर हंटिंग करता है उसको जितना मेजर पार्ट अगर उसने उसने किसी डियर या किसी को मारा शिकार करी अपने खाने के लिए तो जो लायन जो है मेजर पार्ट खा लेता है देन ही लीव इट वंस ही इज फुल ही लीव इट देन बाकी के लोग आके फिर खा सकते हैं तो बाकी के जो भी एनिमल्स है वो आके खा सकते हैं और लायन शेयर मीन्स फर्स्ट ही विल हैव हिज मेजर शेयर बड़ा पार्ट वो खाएगा फिर जो बचा हुआ पार्ट है देन द अदर्स विल ईट सो दैट्स अ लायन शेयर मीन्स अ मेजर पार्ट सो हम बोल सकते हैं कि दो भाइयों के झगड़े में वन सन गॉट अ मेजर शेयर ऑफ फादर्स प्रॉपर्टी एल्डर सन गॉट अ लायन शेयर इन फादर्स प्रॉपर्टी सो लायन शेयर मीन्स बड़ा हिस्सा बड़ा पार्ट या इंटर के ग्रुप वन में टैक्सेशन सब्जेक्ट हैज अ है शेयर, मतलब सिलेबस टैक्स का बहुत वास्ट है, मेजर है, है? ठीक तो आप क्या बोल सकते हो? एल्डर सन गॉट सन गॉट अ लायस शेयर आउट ऑफ फादर्स प्रॉपर्टी बरोबर है का अदर फिश टू फ्राई तो किया है कि नहीं ये सबके लिए तुम नहीं बोल रहे हो आज हाँ इसका एग्जाम्पल मैंने बहुत बार दिया था क्लास में हाँ बट लिखा नहीं तो लिख के ले लो चलो जल्दी करो जल्दी करो बिकॉज वी हैव फिश टू फ्राई फिश टू फ्राई मीन्स अदर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू रील्स मत देखो यू हैव अदर फिश टू फ्राई इंस्टा मत देखो यू हैव फिश टू फ्राई ओके जब भी, भी आप पढ़ाई कर रहे हो और और इडियम्स कहीं से आते हैं अलग से तो नोट कर लो आया इडियम्स तो एक मार्क के लिए इडियम्स फिर आपको आ सकते हैं यहां पे हो नवीन क्या बात है कुछ तुझे कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले <laughs> चलो ऑल एंड सैंडरी ऑल एंड सैंडरी है कि नहीं है खर नहीं है सब झूठ बोल रहे हैं आप सब नहीं बोल रहे हो और सब लिखते जा रहे हैं आप अदर फिश टू फ्राई एंड ऑल एंड सन्ड्री वॉट इज ऑल एंड सन्ड्री वन एंड ऑल अच्छा ऑल एंड सन्ट्री के लिए मैं क्या सेंटेंस दे सकती हूँ मिनिस्टर इन्वाइटेड ऑल एंड वन एंड ऑल एंड सन्ड्री फॉर हिज सन्स वेडिंग मिनिस्टर ने किसको बुलाया था ऑल एंड सो मिनिस्टर इनवाइटेड ऑल एंड फॉर हिज सन्स वेडिंग ठीक है ऑल एंड सेंट्री मन जो है वन एंड ऑल लिखो ना जरा लिखो ना नोटबुक में जरा लिस्ट में बना के लो ना क्यों ऐसा कर रहे है तू क्यों नहीं लिख रहे लिख ना बेटा मैम मैंने तो बुक ही नहीं बनाया है मैंने ईडीएम्स का सेक्शन ही नहीं बनाया है भारी नहीं बनाया ना बनाया लिख जल्दी चल हाँ कभी कभी इडियम्स में ऑप्शन देते हैं ये संड्री डेटस नहीं रहे ऑल एंड संड्री मतलब अदर्स एवरीबडी वन एंड ऑल आ गया क्या अभी यहां से सब है मुझे ऐसे लग रहा है हाँ तो आपने वो फाइव नंबर सिक्स से था ना मेरे पास इसलिए वो ये वाले मिसिंग थे अब ये सब है हमारे पास पिक एंड स्पैन अ स्क्र मील फ्रेंच लीव मैन ऑफ स्ट्रॉ अ बोल्ड फ्रॉम ब्लू अ फेयर वेदर फ्रेंड बीट अराउंड बुश द बॉल इज इन योर कोट होल्ड नाइन यार्ड्स जैसे अभी मैं बोल सकती हूँ कल आई फिनिश द बी सी आर सिलेबस नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट मेरे और से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया अभी आपको पढ़ना है सो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट ओके बीट अराउंड द बुश इज डाइवर्स फ्रॉम द मेन टॉपिक है क्या है ना सब है द बॉल इज इन योर कोर्ट होल नाइन यार्स कीप समथिंग एट बे At the drop of the hat, आपको पता है, at the drop of the hat, हमने नेहा कक्कर का बोला था, हैट कोई भी कंटेस्टेंट आ जाता था क्या इंडियन आइडल मैन चीज टू स्टार्ट क्राइंग अ डिफिकल्ट जॉब सो कंप्लीटिंग द होल सिलेबस आपको कितना टाइम मिल रहा है अभी अभी कितना टाइम टू एंड हाफ

Then gift of gab, uh, speak fluently. Our teacher has a gift of gab, and the students are in awe of her Aisa humne kahin, wo sentence kiya hua hai. Exercise karte Chalo. I know that the fight that they had yesterday seemed serious, but that is just the tip of the iceberg. So kya hai pe? tip of the iceberg. What the question says identify the idiom. Question bolta, identify the idiom and determine the meaning from the context. तो आई नो द फाइट दैट दे हैड यस्टरडे सीम्ड वेरी सीरियस बट दैट वॉज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग तो जब टाइटेनिक बम्प्ड इन टू दैट आइसबर्ग नो बडी न्यू हाउ मच दैट आइसबर्ग वॉज बिलो दैट वॉट यू कैन सी इन आइसबर्ग की खासियत यही होती है कि आप उसका सिर्फ टिप देख सकते हो बहुत छोटा सा पार्ट आप देख सकते हो मेजर पार्ट आप देख ही नहीं सकते और मेजर पार्ट जो वो होता है वो समंदर में होता है सो दैट इज वहां से ये आता है टिप ऑफ द आइसबर्ग वहां से डिराइव किया जाता है अब टिप ऑफ द आइसबर्ग मतलब जो आप देख पा रहे हो वो बहुत छोटा सा पार्ट है बड़ा प्रॉब्लम एक्चुअली uh, जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली बहुत बड़ा है ये मुहावरे होते हैं इडियम्स मतलब uh, एक बार मैंने इडियम्स की एक्सप्लेनेशन तो वैसे दी है जस्ट मैं आपके साथ ये एक्सरसाइज कर रही हूं अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम लिखो टिप ऑफ द आइसबर्ग को सर्कल करो टिप ऑफ द आइसबर्ग क्या है बेटा यस दैट्स द इडियम एंड उसकी मीनिंग है

Before the summer vacation, but now I have to face the music. Oh my god, you have to face the music. Matlab? Now you have to face the consequences. See, I called in sick. Ki. I called in sick throughout the week or summer vacation, but now I have to face the music. So I have to now face the consequences. I was not regular during the classes. अब मेरा बहुत बैकलॉग बचा है सो नाउ आई हैव टू फेस द म्यूजिक मतलब फेस द कॉन्सिक्वेंसिस जो आप करते हो उसको आप ही को भुगतना पड़ेगा तो उसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक समझ में आ रहा है फिर से बोल रही हो आपके पी एल के पहले कुछ भी बैकलॉग मत रखो कुछ भी बैकलॉग होगा संडे को क्लास करो जो भी करना है करो खत्म करो अभी एफर्ट ज्यादा डालो बाद में ना वो प्रेशर में पढ़ाई भी ज्यादा होती नहीं और पढ़ता है क्या क्या होता है उधर हम ना स्टेगनेंट हो जाते हैं हर रोज दस घंटे हर रोज आठ घंटे पढ़ना दस घंटे पढ़ना बिकम्स वेरी बोरिंग देन एक पॉइंट आता है जहां पर अपने को फ्रस्ट्रेशन आ जाता है तभी एक आध दिन का ब्रेक लगेगा आपको आधा दिन का ब्रेक लगेगा हाफ डे ब्रेक वन डे ब्रेक नॉट मोर देन दैट यू कैन डू दैट बट अभी फिर ज्यादा कर लो जैसे कि अभी एग्जाम ही है ऐसे मान के चलो और अगले तीन दिन या चार दिन में आप टारगेट रखो कि आई वॉन्ट टू फिनिश माई बैकलॉग सो कीप अ टारगेट कैन यू डू इस वीक में अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे और जैसे एग्जाम होती है तो ऑटोमेटिकली आप कम सोते हो खाना जल्दी खा लेते हो सब कुछ होता है कि नहीं वैसे तो आज क्यों नहीं कर सकते वैसा ये एक वीक का टारगेट रखो कि आई विल कंप्लीट ऑन माय बैकलॉग करोगे ऐसा ट्राई हर वीक में अपने आपको टारगेट दो कि इस वीक में बैकलॉग कंप्लीट करूंगी इस वीक में ये चार चैप्टर रिवाइज करूंगी समथिंग लाइक दैट बैकलॉग है आपका नहीं है वेरी गुड सो ऑल टॉपिक्स एवरीथिंग यूर फिनिश्ड वॉचिंग द लेक्चर वाइज यू आर कंप्लीट सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग वेरी गुड थिंग ठीक है अब आगे जाएंगे मैम हम लोग मैगजीन कब डिस्कस करेंगे जी ट्वेंटी और वो सब तुम लेके आए हो क्या तो कल लेके आ जाओ ना कल डिस्कस कर लेंगे पक्का लेके आओगे क्या एक एक पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा फटाफट लेके आना क्या क्या आप जो लेके आओगे मैं डिस्कस करूंगी कल कर। या आप टेलीग्राम पे या मुझे भेज देना तो मैं कर लूंगी ठीक है अब आगे जाएंगे तारा जम्प ऑन द बैंड वैगन एंड गॉट अर पियर्स आफ्टर ऑल ऑफ अ क्लासमेट पियर्स दर्ज टू जम्प द बैंड वैगन मतलब टू फॉलो द फैशन ट्रेंड टू जम्प द बैंड वैगन ये जनरली होता है कि जो ये और फैशन से रिलेटेड ही है कि ऐसा नहीं बोल सकते कि सबको सी ए कोर्स करना है तो मैं भी करने चली गई ये उसमें नहीं आता है टू जम्प द बैंड वैगन जनरली ये फ्रेज जो है फैशन के लिए यूज किया जाता है कि जैसे आजकल टैटू का फैशन है तो एवरीबडी तारा ऑल्सो जम द बैंड वैगन सबने क्लास में टैटू करवाया तो तारा को भी टैटू करवाना था या एवरीबडी गॉट द इयर पियर्स्ट सो तारा ऑल्सो जम द बैंड वैगन एंड पियर्स्ट आफ्टर ऑल हर क्लासमेट पियर्स दर इज एंड एक्टिविटी ऑफ मूवमेंट दैट हेज बिकम सक्सेसफुल ऑफ फैशनेबल एंड सो अट्रैक्ट न्यू पीपल सो कोई भी चीज जो अभी फैशन में है रील बनाना फैशन में है कोई भी चीज जो फैशनेबल या ट्रेंडिंग है वो करना इज टू जम द बैंड वैगन ठीक है कर दिया सबने तो आप है ना अगर यहां पे एक्स्ट्रा इडियम्स है तो आपके वन डे बिफोर में जहां है वहाँ पे लिखो ये क्या पेज नंबर है वन डे बिफोर में लिखो आपका पेज नंबर अलग होगा फोर्टी एट फोर्टी नाइन होगा करेक्ट तो वहाँ पे लिखो रेफर पेज फोर्टी एट फोर्टी नाइन तो जब आप इडियम्स पढ़ने को बैठोगे फटाफट फोर्टी एट फोर्टी नाइन पढ़ लेना और यहां से भी इडियम्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो इडियम्स की लिस्ट में आप लिख दो रेफर पेज फोर्टी एट फोर्टी नाइन आगे टॉमी इज मदर डिट इवन लेक्चर हिम आफ्टर ही केम होम लेट इट वॉज लाइक बीटिंग अ डेड हॉर्स वॉट इज लाइक बीटिंग अ डेड हॉर्स अरे वो मरा हुआ है ऑलरेडी उसको और मारके क्या होगा मतलब तुझे इतना बोल बोल के मैं थक गई हूँ कितनी बार बोलू तो अभी मम्मी ने डांटना भी बंद कर दिया है सो टू वेस्ट एफर्ट्स ऑन समथिंग दैट देर इज नो चांस ऑफ सक्सीडिंग कुछ होने नहीं वाला है कुछ ही फायदा नहीं है ऐसा है टू बीट अ डेड हॉर्स मतलब जो मर गया उसको आप मार रहे हो उसे कुछ और होने वाला है क्या नहीं टॉम इज मदर डिंट इवन लेक्चर हिम वेन ही केम होम लेट इट वॉज लाइक बीटिंग अ डेड हॉर्स ऋषभ मुझे याद नहीं है मेरे टाइम अकाउंट का क्या बोल रहे हो डिड यू डू एनपीओ और पार्टनर आई डोंट रिमेम्बर आगे वेन मिसिज बैनर्जी टोल द स्टूडेंट दैट शी वॉज गोइंग टू शेयर या मैं बोल सकती the मतलब हूँ पढ़ने वाली हूँ नाम और आपके मार्क्स नाम और आपके मार्क्स तो आई एम सी आई एम डिक्लेयरिंग द रिजल्ट तो यूर ऑल इज या आई एम गोन टू अनाउंस मेक अनाउंसमेंट अबाउट न्यू स्कीम के बारे में तो एकदम आप कैसे ध्यान से सुनोगे सो ऑल इज मतलब फुल ध्यान से सुनना लिखा all ears to eagerly to be eagerly waiting to hear something sixth when while the boss was away uh, the two workers workers decided to shoot the breeze over a cup of coffee shoot the breeze over a cup of coffee means talk something unimportant jaise yahan pe abhi lecture nahi hai आज कोई लेक्चर मिस अनाउंस हो गया कि आज लेक्चर नहीं होने वाला Assume है नहीं तो आप बोलोगे मैम ने बोल दिया लेक्चर नहीं है अज्यूम कोई क्लास आपको अचानक से ऑफ मिल गया तुमने बोला चल ना यहाँ बाहर जाके यहाँ कॉफी अच्छी मिलती है वहाँ मैगी अच्छी मिलती है तुम लोग खा रहे हो और गप्पे मार रहे हो सो वट आई यर डूइंग शूटिंग द बी ब्रीज शूटिंग मतलब हवा में गोली चला रहे हो उसे कुछ हो रहा है क्या में कोई टारगेट है क्या नहीं आप जस्ट हवा में यूर जस्ट शूटिंग द ब्रीज दारगेट तो आप जस्ट टाइम पास कर रहे हो ओके शूटिंग द ब्रीज मीन्स स्पेंड टाइम टॉकिंग अबाउट थिंग्स

Uh, कि तु, तुम्हें ड्यूटी दी है कि रोज जाके शॉप तुम खोलोगे या रोज सुबह uh, घर के लिए मिल्क यू विल गेट और समथिंग लाइक सो डैड वांटेड टू लेट मी ऑफ द हुक सो डैड ने बोला यार तेरी एग्जाम्स आ रही है आई वांट टू लेट यू ऑफ द हुक मतलब कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी से रिलैक्स करवाना चाह रहा हूँ सो लेट ऑफ द हुक मीन्स टू रिलीव सम वन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट ऑफ द हुक मीन्स टू रिलीव सम वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आप घर पर अगर कुछ काम करते हो तो आपके एग्जाम्स है तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे यार अभी दो ढाई महीने पी एल है ना अब दो ढाई महीने तू ये काम मत करना तो तू पढ़ाई पर फोकस करना टू रिलीव सम वन फ्रॉम देयर ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट मॉम जेड नहीं एस ए नहीं मेड इज बेड नाव ही हैज़ टू लाई इन इट सो मतलब ही मेड इज बेड मतलब उसी के एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेज है उसी ने अपना बेड बनाया ऐसे बोलते हैं ना अपनी कब्र खुद ही खोदना या आ बेल मुझे मार टाइप्स का तो तुमने ही ये इन्वाइट किया अभी तुमको ये करना पड़ेगा सो टू मेक योर बेड एंड टू लाई इन इट मीन सफर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन यहाँ दो मुहावरे हैं टू सफर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ वंस एक्शन टू मेक वंस बेड एंड लाई इन इट To make one's bed and lie in it. Rishabh, I can't decide, Baba. I can't tell you about NP or partnership. You will have to talk to Anansar about it. I don't know. PL kya hota? Hai? Preparatory, preparatory leave. Study leave. That's PL. Okay. Okay. You knew there was no answer to this problem. You sent me. Yet you sent me on a wild goose chase. Wild goose chase, मतलब आप हंडिंग करने गए वाइल्ड goose चेज मतलब ऐसा चेज मतलब चेज मतलब क्या किसी के पीछे भागना तुमको पता है मैं उसको पकड़ ही नहीं पाऊंगा फिर भी यू सेंट मी यू न्यू कि वो मानने नहीं वाला मेरी बात फिर भी तुमने मुझे उसको कन्विंस करने के लिए भेजा सो यू सेंड मी ऑन अ वाइल्ड goose चेज ओके वाइल्ड गूज चेज चेज मतलब किसी के पीछे पकड़ना पकड़ने के लिए भागना उसके पीछे तो ट्राइंग मतलब लिटरल मीनिंग नहीं होता है किसी ने आपको कोई जंगल में नहीं भेजा किसी गूस के पीछे भागने के लिए ये लिटरल मीनिंग नहीं लेते उसका हिडन मीनिंग लेते हैं कि आई ट्राई टू कन्विंस समवन मतलब क्या यार तुमने मुझे कन्विंस करने को भेजा इट्स लाइक कैचिंग अ अ वाइल्ड वाइल्ड सो इट्स लाइक चेस मतलब अ होपलेस एफर्ट ऑफ समथिंग दैट कैन नॉट बी अचीव्ड और अटेनेबल लिखा क्या सबने आगे फ्रेजेज है कुछ रेडी लेक्ट द मीनिंग ऑफ द इडियम ऑफ फ्रेज इजन बिलो बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट यार ये अंबानी ब्रदर्स के बीच में प्रॉपर्टी वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन बोन ऑफ कंटेंशन मतलब उन दोनों में झगड़ा चल रहा है लेकिन किस मुद्दे पर चल रहा है सब्जेक्ट क्या है डिस्प्यूट का बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट जैसे अभी कल सो so सैड नो इसल में जो वॉर आपको पता है क्या the israel war and the terrorist group have attacked them so many israelis have of course israel has a very good defense system unka bahut acha hai they have a dome over their uh, country where if koi missiles aati hai to wo they can't enter in you know to kafi wo successful rahe but they entered ये जो terrorist group है दे entered through another way मतलब uh, normal तरीके से i think वो gliders से एंटर हुए अंदर पैराशूट जैसे होता न, gliders है ना ग्लाइडर्स लेके आए एंड दे एंटर्ड एंड देन दे हैव डन शूटिंग जस्ट रैंडमली जो भी सिविलियंस है उनको शूट किया बहुत लोग मर गए अभी इसराइल ने तो वॉर डिक्लेयर कर दिया है सो नाउ वॉट वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन आई थिंक बहुत सालों से उनके बीच में कुछ इशू चल रहा है और कुछ मॉस्क से लेके भी कुछ इशू है यस yes. तो उनके बीच में कुछ मॉस्क भी है उसके ऊपर भी इशू चल रहे और ये आज नहीं है बहुत सालों से उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है सो वॉट इज द बोन ऑफ कंटेंशन इवन आई यार इनके सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट क्या है तो मैं भी कल वो पढ़ रही थी कि क्या हुआ एकदम सो बोन ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स और मैटर्स लाइक क्लास खत्म होने के बाद भी जैसे इसराइल का वॉर है तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी आप पढ़ सकते हो तो आई डोंट नो आर्टिकल राइटिंग इसमें से किसी पे भी यही आएगा ऐसा गारंटी नहीं है बट जनरली इट कैन कम सो यू शुड जस्ट रीड ओके यस तो क्लास खत्म हो गया तो आ, ऐसा नहीं है कि अभी दो ढाई महीने हैं दो ढाई महीने में और दो ढाई दो महीने और दो ढाई महीने में और बहुत सी चीजें हो सकती है तो आपने थोड़ा ध्यान दे के जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता रहेगा वो कर लो ठीक है ना हाँ आगे टू रूल द रूस्ट मतलब टू डोमिनेट टू रूल द रूस्ट इज टू डोमिनेट टू ग्रीज द पाम मतलब, okay? मतलब अच्छा, टू ऑफ अब ओके टू ग्रीज द पाम मतलब टू ऑफ अब अच्छा स्टॉम स्टॉम इन अ टी कप अभी देखो ना स्टॉम इन अ टीकअप uh, मतलब ड्रिंक टी ऑफर नहीं होता है स्टॉम है स्टॉम इन अ टी कप मतलब टीकअप कितन सा होता है इतना सा होता है उसके अंदर स्टॉम आ गया मतलब आपने क्या किया यू मेड अ बिग इश्यू आउट ऑफ अ स्मॉल थिंग या टी कप के अंदर क्या स्टॉम आएगा मतलब स्टॉम इन साइड अ टी कप का मतलब है आपने बहुत ही बड़ा इशू बना दिया है किसी छोटी सी बात का आगे लॉन्ग फॉर इज डिजायर आई एम लॉन्गिंग फॉर अ ब्रेक आई एम लॉन्गिंग फॉर घर का खाना अगर आप घर से बाहर हो तो आई एम लॉन्ग आई एम लॉन्गिंग फॉर मॉम्स फूड और समथिंग दैट यूर मॉम मेक्स एंड यू लाइक दैट ओके, करप्शन रिश्वत सोनल ठीक है थ्री का मतलब समझा दो थ्री क्या था टू ग्रीज द पाम मतलब ब्राइब देना ये मुहावरे है इसमें कुछ समझाने का नहीं होता है ये आपको लर्न करना जैसे आपने हिंदी या इंग्लिश हिंदी में भी हम मुहावरे लर्न करते थे अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा हिंदी मराठी जो भी आपने लाए तो आप मुहावरे पढ़ते हो ना उस भाषा में कुछ तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको लर्न ही करने होते हैं तो आपको इसमें समझाने वाला और कुछ नहीं है बेटा तो ग्रीज द पाम मतलब रिश्वत ऑफर करना किसी को अब लॉन्ग फॉर का मतलब होता है डिजायर सो आई एम लॉन्गिंग फॉर माई मॉम्स आई एम लॉन्गिंग फॉर होम फूड पेन एंड इंक पेन एंड इंक मतलब क्या इन राइटिंग कोई तो आके तुमको प्रॉमिस करता है ऑफिस में बॉस बोलता है या आई गिव यू अ प्रमोशन नेक्स्ट टाइम नो नो सर गिव मी दैट इन राइटिंग आई वॉन्ट इट इन पेन एंड इंक आई इट इन पेन एंड इंक सो योर बॉस से प्रमोशन नहीं नहीं आपने लास्ट टाइम भी ऐसे ही बोला था गिव मी इन पेन एंड इंक सो गिव मी इन राइटिंग टेक आफ्टर टेक आफ्टर मीन्स रिजेंबल अरे शी इज टेकन आफ्टर और शी लुक्स लाइक माई ग्रैंड मदर मतलब रिजेंबल्स होता है ना घर में कोई मम्मी के जैसे दिखता है कोई पापा के जैसे कोई मामा के जैसे और जो भी है तो यू हैव टेकन आफ्टर मीन्स यू रिजेंबल ओ यू टेकन आफ्टर योर ग्रैंड मदर सो यू हैव यू रिजेंबल अ लॉट आपके जो लुक्स है आपके जो फीचर्स है दे आर वेरी सिमिलर टू योर ग्रैंड मदर टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल ए ब्राइब समझा कि नहीं तुमको

वेरी डिफरेंट फार क्राय का मतलब क्या है वेरी डिफरेंट ये लिटरल मीनिंग नहीं लेना है फार क्राई मतलब बहुत जोर से कोई दूर से रो रहा है ऐसा नहीं ये लिटरल मीनिंग नहीं लेना है ओके okay, क्या हाँ सो वेनाय से आ बैल मुझे मारिया दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सो so, एक्चुअली ना तो वहां दूध है ना तो वहां पानी है ये एक सिर्फ मुहावरा है जो बोल रहा है कि सच सामने आ जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी वहां ना तो दूध होता है ना तो पानी है मतलब उसका मीनिंग क्या है सच सामने आएगा सो so, मुहावरे में कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं लेने का ओके okay? यस, yes. हाँ ओके okay. अब आगे जाएंगे हॉपन्स चॉइस उधर ए में ना गलती से मिस प्रिंट हो गया आपके यहाँ है क्या करेक्शन नहीं ना नो चॉइस एट ऑल तो ए ऑप्शन में उधर फिर से गलती से हॉपन्स चॉइस ही आ गया है तो वहां पे लिखो नो चॉइस एट ऑल नो चॉइस एट ऑल नो चॉइस एट ऑल लिखा क्या सबने एंड दैट्स द मीनिंग इन द पिंक ऑफ हेल्थ बेस्ट ऑफ हेल्थ हाँ पिंक ऑफ हेल्थ इज बेस्ट ऑफ हेल्थ ओके नाउ लेट्स द सुटेबल यहाँ तक हो गया वन टू टेन हो गया क्या आपको टू मिनट ऐसे ही ब्रेक लेना है क्या जस्ट टेक अ टू मिनट्स ब्रेक एंड द नॉल कंटिन्यू टू मिनट्स इधर ही कोई ऐसा ये नहीं जस्ट टू मिनट्स ब्रेक एंड द नॉल कंटिन्यू विद सेकेंड सुटेबल ऑप्शन ये सब है ठीक है ईडीएम और और एक पार्ट भी करेंगे हाँ टैक्स हॉलिडे मतलब आपको टैक्स देने से छुट्टी टैक्स के बेनिफिट्स भी बोलते हो अभी टैक्स आई टेल दोनों बोलते हो क्लास को हॉलीडे है मतलब क्या होता है क्लास नहीं है ना तो टैक्स हॉलीडे का मतलब है टैक्स पे नहीं करना अगर आप कुछ खास बिजनेसेस कर रहे हो जिससे बेनिफिट हो रहा है तो बहुत रेयरली आजकल टैक्स हॉलीडे वाले बहुत ही सेक्शंस कम है कुछ कुछ बिजनेसेस है जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन एससी जेड वगैरह होते हैं ना एक्सपोर्ट्स बिजनेस उनको टैक्स हॉलीडे है मतलब उनको इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है क्लास को हॉलीडे मतलब क्लास नहीं है वैसे टैक्स हॉलीडे मतलब टैक्स नहीं है ठीक है और टैक्स बेनिफिट्स अब कैसे होता है जैसे मैंने आ, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि हर व्यक्ति के पास अपना अपना घर होना चाहिए या हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए हर एक ने इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करना चाहिए तो अगर आप प्रीमियम पे करोगे आपको कुछ टैक्स बेनिफिट मिलेगा मतलब मैंने प्रीमियम पे किया ना अगर मैंने मेरी पॉलिसी ली लाइफ इंश्योरेंस की और फिफ्टी थाउजेंड का प्रीमियम है फिफ्टी थाउजेंड का प्रीमियम मेरे इनकम से माइनस करेंगे और बाद में टैक्स निकालेंगे तो जब मैं प्रीमियम माइनस करूंगी तो मेरा इनकम कम हो जाएगा इनकम कम हो जाएगा तो टैक्स भी कम हो जाएगा इसको बोलते हैं टैक्स बेनिफिट तो गवर्नमेंट क्यों बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट तुमको प्रमोट करना चाह रही है यार निकालो पॉलिसीज तुम्हारी लाइफ पॉलिसी है क्यों घर में कोई वर्किंग मेंबर है उसकी डेथ हो गई तो फैमिली का आगे क्या होगा इसलिए गवर्नमेंट बोलती है यार तुम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लो आपका बेनिफिट है और इतना ही नहीं आपको टैक्स बेनिफिट देंगे हम तो आप प्रीमियम पे करो हम आपका इनकम से माइनस करेंगे माइनस करेंगे तो इनकम कम हो जाएगा इनकम कम हो जाएगा तो टैक्स भी कम हो जाएगा इसको बोलते हैं टैक्स बेनिफिट्स सो गवर्नमेंट कभी कभी टैक्स बेनिफिट्स देती है कभी बिजनेस इसके लिए देती है अलग टैक्स बेनिफिट्स में बहुत वरायटी है मतलब आपने अगर कुछ स्पेसिफिक बीसी में पढ़ा होगा तो वैसे बताओ तो मैं वो एंगल से बताऊंगी टैक्स बेनिफिट्स बहुत होते हैं और टैक्स हॉलीडे नो नीड टू पे टैक्स यस तुम गाना सुनने वाले हो क्या लगाने वाले हो नहीं है तो और कोई नहीं लगाएगा आ गया वो आ गया तू लगा रहा है, सॉन्ग लगा रहा है? आ थैंक थां, यू ओमकार आदि थैंक यू क्या हुआ ठीक है अरे आदि बस ना <laughs> प्लीज प्ले सॉफ्ट सॉन्गरे हो गए दो मिनट को प्रद्युम उधर अपने को ये कर रहा है बीसीआर कल खत्म करेंगे है क्या केबल है हाँ देखो उधर है क्वेश्चन टू एंड थ्री रिमेनिंग अरमानों में रानिया पहली दफा हो गया बेगाना हाँ, हों से पहली दफा प्यार को पहचाना एहसास है ये नया सुना है सुना है। बस में वफा है दर्द सी कभी दर्द सी जिंदगी नाम थी कही चाहत हुई महर बढ़ के थम थी एक वो नजर निगा, रूह में शामिल इस तरह बन गया फ़साना। बात से पहली रबा पालिया है ठिकाना बहू की अपना सुना है सुना है तो ये रस्म चल विल स्टार्ट कंटिन्यू नाउ ओके चल क्वेश्चन टू एंड क्वेश्चन थ्री इज देयर लेट्स फिनिश दो अब देखते हैं सिलेक्ट द सुटेबल सब्स्टिट्यूट्स फॉर वर्ड इन इटैलिक्स इटैलिक्स मतलब जो मैंने अभी रेड, आपके यहाँ नहीं है इटैलिक्स मतलब जो स्लांटिंग में वर्ड्स दिए उसको इटैलिक्स बोलते हैं वो जो वर्ड्स है उनका आपको मीनिंग चूज करना है अब देखो लैक ऑफ एजुकेशन हैज रिटार्डेड द नेशन प्रोग्रेस देखो आपको रिटार्डेड का मीनिंग समझा या नहीं देखो सेंटेंस की फ्लो तो समझो लैक ऑफ एजुकेशन से नेशन का ग्रोथ अच्छा होगा या बुरा होगा बुरा ही होगा ना क्या हाँ हाँ डिग्रेडेड भी आ सकता है बट रिटार्डेड का और करेक्ट मीनिंग होता है सेकेंड मतलब स्लो डाउन करना स्लो हो गया है हाँ डिग्रेड और स्लो में फर्क होता है क्वालिटी डिग्रेड हो गई है हाँ क्वालिटी और स्लैकंड uh, मतलब ग्रोथ रेट है ये स्पीड है स्पीड की बात है और डिग्रेड होना मतलब क्वालिटी खराब होना हम इस रेस्टोरेंट में आते थे यार यहाँ की पाव भाजी बहुत फेमस थी बट ना तो क्वालिटी इज डिग्रेडेड दैट इज दैट एंड का मतलब इज ग्रोथ स्लो होना हाँ लैक ऑफ एजुकेशन हैज रिटार्डेड अच्छा यहाँ पे लेकिन एक चीज़ इम्प्रूव तो पक्का नहीं होगा तो ऐसे में बोल रही कि अगर आपको नहीं भी पता है ना तो ऐसे इम्प्रूव मत टिक करके आना आपको शब्द नहीं पता है तो भी सेंटेंस की फ्लो में से आप गेस कर सकते हो कि लैक ऑफ एजुकेशन से नेशन का कुछ तो बुरा ही हुआ है तो एटलीस्ट चलो आप डिग्रेड करके आगे तो भी चलेगा और सेकेंड तो फिर इतना तो सही है ठीक है ना मतलब मार्क्स देंगे कि नहीं अभी वो एग्जामिनर पे है करेक्ट आंसर इज परफेक्ट आंसर इज सेकेंड बट एटलीस्ट आप इंप्रूव तो करके मत आना उधर ठीक है ना अब द क्रीम ऑफर्स ब्लेमिश फ्री स्किन रिजल्ट्स ब्लेमिश फ्री स्किन ब्लेमिश का मतलब होता है कुछ दाग या दबे स्किन पे तो फ्लॉलेस वॉट इज द मीनिंग फ्लॉलेस नाउ कैन यू से क्रीम ऑफर्स माइलिंग स्किन रिजल्ट नो ऑइल फ्री एक आध बार बोल सकते कलर तो पक्का ही नहीं है तो ऑयल फ्री नहीं आएगा ब्लेमिश इज सम मार्क्स इफ यू हैव ओके सो द क्रीम ऑफर्स ब्लेमिश फ्री का मतलब होता है फ्लॉलेस फ्लॉलेस सम मैथ्स टिप्स मैंने मैंने बता सकती अकाउंट्स टिप्स मैंने बता सकती हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट का आपको बताएंगे आगे द आर्मी कैप्टन वॉज अवारेड द परमवीर चक्र प्रोथ्यूमसली का मतलब होता है डेथ के बाद डेथ के बाद ओके सो इट मीन आफ्टर डेथ अच्छा आई एम नॉट गो ऑफर अ परमवीर चक्र सीक्रेटली ये अवार्ड है ये तो एकदम अनाउंसमेंट करके एक सेरेमनी रख के हम देते तो सीक्रेटली तो नहीं होगा अवार्ड परमवीर चक्र सीक्रेटली तो नहीं देंगे लिबरली यहाँ पे मतलब क्या है कुछ भी है ना और डी क्या है फॉर्मली तो आपको एट द मोस्ट लग सकता है फॉर्मली आप सोच सकते हो आफ्टर डेथ तो यू नो एटलीस्ट दो तो आप एलिमिनेट कर सकते हो जब भी भी आपको ऑप्शंस नहीं पता होते ना एलिमिनेशन मेथड यूज करो ये तो पक्का नहीं है ये वाला आंसर तो पक्का नहीं है फिर आपकी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट फिफ्टी फिफ्टी हो जाती है ठीक है द ट्रिक्स मेजिशियमराइज द ऑडियंस मैसमराइज ना मैजिशियन आपको डराने नहीं, नहीं वाला है मैजिशियन कांट स्केयर यू तो कान बी स्केयरिंग यू प्रोवोक करना मतलब किसी को गुस्सा दिलाना तो वो गुस्सा भी नहीं दिलाएगा कंफ्यूज़ से भी अच्छा हम बोलेंगे ऑडियंस एकदम वाओ ये ऐसे कैसे हो गया इसको मैसमराइजिंग मतलब फैसिनेटिंग होता है क्या होता है फिर फैसिनेटिंग एटलीस्ट आप एलिमिनेशन मेथड तो करो आप दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाओगे तो दो ही बचे बेटा प्रोबेबिलिटी है ना फिफ्टी फिफ्टी हो जाती है ट्वेंटी फाइव परसेंट की जगह पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ठीक है आगे सींग द आर्टिस्ट वर्क विथ सच फिनिश द क्राउड चियर सच फिनिश मतलब कैजुअली नहीं वो कैजुअली काम करेगा तो एकदम क्राउड चियर करेगा क्या नहीं अथॉरिटी अनविलिंगनेस इधर तो तीनों एलिमिनेट हो रहे तो so, क्या बचा एक्सपर्टीज ये आर्टिस्ट इतना मस्त ड्रॉइंग और पेंटिंग कर रहा था कि क्राउड उसको देख के चेयर करने लग गया ठीक है मैच वॉज अ कंप्लीट फेस्को फॉर द फॉरन टीम सो मैच वॉज अ कंप्लीट फेस्को मतलब जनरली इट इज अ फेलियर फेलियर ओके माफ करो फेस्को का मतलब है फेलियर डन है ओके the demure actress has won the hearts of the public so she shy demure का मतलब होता है shy i could have you know अगर मुझे नहीं पता होता तो शायद मैं versatile भी बोल देती है ना legendary तो यहाँ पे ये यह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वर्ड ये ऐसा है बट demure का मतलब होता है shy his parents were adamant about not sending their son for a two day trip so parents are adamant about not sending a son for the two day trip मतलब विलिंग है क्या नहीं पोअर है क्या नहीं दे डोंट वॉन्ट टू सेंड कि नहीं नहीं जाना ही नहीं है बट दे आर इनफ्लेक्सिबल डायमंड होना मतलब इनफ्लेक्सिबल डायमंड मतलब मुझे ये ऐसा करना है मतलब ऐसा ही करना है मुझे ये चाहिए मतलब ये चाहिए इतना बुरी वे बुरे तरीके से डिटर्मिंड होना पढ़ाई के लिए वो अच्छी बात है डायमंड होना ये अच्छी बात नहीं है अ अडायमेंट का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल चलागर्ड वुड बी अस फिट इन आर्मी स्लगर्ड इज भी नहीं भी भी नहीं, talkative भी नहीं, पे पे बोल रहा ऑप्शन, का मीनिंग होता है lazy. Lazy person, आर्मी में कैसे चलेगा उतना कितना उधर वो करते हैं फिनिशिंग द टेन पेज होमवर्क इन टू डेज इज अडियस जॉब टीडियस जॉब मतलब टफ जॉब टफ इज इट गोन्ट बी इजी नो कॉमन नो बोरिंग तो ठीक है अभी पढ़ाई हर एक कोई यहाँ पे तो फिट नहीं ऐसे हम बोरिंग नहीं बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे टीडीएस ठीक है आगे फिल इन द ब्लैंक द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री यही है ना आपका बी जितना है टेन हाँ क्या हो गया एक दिन में कर लेते हैं टेन पेजेस गुड अभी हर कोई सी ए कोर्स नहीं करता ना <laughs> चलो वन ऑफ द टू ऑफ द टू वर्कर्स वन इज एक्सपीरियंस ए देखो यहां फ्लो से पक्का समझेगा देखना फिल्म सुटेबल ऑप्शन बहुत ध्यान से सुनना वन ऑफ द टू न्यू वर्कर्स ऑफ द टू न्यू वर्कर्स एक एक्सपीरियंस है वाइल मतलब हम हाँ ऑपोजिट बोल रहे एक एक्सपीरियंस है और दूसरा बिगिनर है बिगिनर है तो अगर बिगनर है तो विटी है नहीं आएगा रोबोट है नहीं आएगा तो नोवाइस हमने किया है कहीं तो इस इज अगनर आई थिंक यू यूज दिस फॉर गेमिंग में भी ये टर्म आप यूज करते हो कहीं पे क्या किसको मैंने बोला था अच्छा हाँ नूब भी है तो नूब इज ऑल्सो अ वर्ड करेक्ट 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 हाँ मैं भूल गया अभी मैं गेमिंग टर्म्स इतने याद नहीं रखती हूँ ना तो मुझे नूब याद नहीं है अभी नो वाइस इज अगनर ठीक है हाँ नूब भी बोलते हैं आप लोग करेक्ट आगे जाएंगे Uh, आगे इट वॉज द डेटा कलेक्टेड इज नॉट हेल्पफुल इन एनी वे टू रीच अ कंक्लूजन मतलब डेटा कलेक्टेड इज नॉट हेल्पफुल इन एनी वे टू रीच अ कंक्लू ओ यहाँ पे क्या शब्द हैं hmm, इधर डैश ऐड कर देते द डैश डेटा कलेक्टेड इज नॉट हेल्पफुल टू रीच अ कंक्लूजन तो कौन सा डेटा इराटिक डेटा कभी कभी हम सैंपल लेते हैं एंड देन डिसाइड करते हैं कि कंक्लूजन ले सकते हैं क्या जैसे आपको ये रिपोर्ट्स आ रहे थे ना सिम्टम्स देखो कोविड में इनको ये बीमारी है तो ये सिम्टम्स है तो कहाँ से ले रहे हैं या इसने वैक्सीन लिया तो क्या इफेक्ट आ रहा है सैंपल लेके बट मे बी दस लोगों का सैंपल लिया और दस ही दस लोगों के सिम्टम्स अलग है और उनकी एक्शन अलग है सबकी रिएक्शन अलग है तो फिर हम क्या बोलेंगे दिस इज अ वेरी वेरी इराटिक डेटा इराटिक मतलब इरेग्युलर इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है हम कंक्लूजन नहीं ले सकते इससे इज इराटिकगुलर इट वॉज क्वाइट ह्यूमरस टू सी द डैश मिनिस्टर टॉक अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस इश्यूज मतलब मिनिस्टर शायद खुद अनहेल्दी un रहेगा इट वॉज सो फनी मतलब ये तो ये ह्यूमरस है टू सी अ मिनिस्टर टॉक अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस और वो खुद कॉरल करप्टे नहीं है वो खुद रोटेड मतलब नॉट अ हेल्थी पर्सन सो द करेक्ट ऑप्शन है नॉट अ हेल्दी पर्सन आगे द रेनफॉल इन डेजर्ट रीजन हैज लेट टू द डैश रेनफॉल सॉरी यहां पर फिर से डैश मिसिंग है द डैश रेनफॉल द डैश रेनफॉल इन डेजर्ट रीजन हैज लेड टू अ रिस्क ऑफ फैमिन फैमिन मतलब कम पानी मतलब क्या बारिश भी कमी हुई रहेगी ना तो क्या आएगा वर्दी एक्सपेंसिव अबंडेंट नहीं यहाँ पे सारे तीनों ऑप्शन आप डिलीट कर सकते हो रेनफॉल कांट भी एक्सपेंसिव अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा रेनफॉल होती तो फैमिन ही नहीं होता फैमिन मतलब कम पानी तो ये स्कैंटी की वजह से हुआ है द स्कैंटी रेनफॉल लेड यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है द स्कैंटी रेनफॉल लेड टू द फैमिन तो आपको ये रीराइट करना है तो ऐसे करो The scanty rainfall led to the famine. Correct? aaya kya The sage is leading a dash life in the mountain peaks Sage matlab wo koi sadhu वगैरह. The sage is leading a dash life in mountain peak. Mountain peak में आप boring उसको boring नहीं लग रहा होगा. आपको boring लगता होगा. वो तो साधु उसको मजा रहे. है, तो he is leading a spiritual life. So he is leading a स्पिरिचुअल लाइफ माफ करो जल्दी जल्दी कर रहे हो क्या लिख रहे हो क्या डैश डैश अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द वेडिंग फिर से यहाँ पे डैश मिसिंग है डैश अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द वेडिंग ऑस्टेंटेशियस मतलब ऐसे मेड टू इम्प्रेस एकदम इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव अरेंजमेंट्स वर मेड एन्यूअल मतलब क्या हैंडसम बोलते क्या अपन अरेंजमेंट्स को हैंडसम बोलते क्या हम बॉयज को बोलते हैं हैंडसम राइट वी डोंट से इट हैंडसम वी डोंट यूज इट फॉर अरेंजमेंट्स एनुअल इज यली चाइल्डिश अरेंजमेंट्स हो सकती है क्या नहीं ना यार द म्यूजिक प्लेड इन द फंक्शन वॉज डैश लॉट्स ऑफ पीपल व कंप्लेनिंग अबाउट इट कंप्लेनिंग आप कंप्लेन कर रहे तो मेलोडियस नहीं है इरिटेटिंग होगा नॉइजी होगा बॉइस्टरस बॉइस्टरिस मतलब नॉइजी मेलोडियस होगा तो हम एंजॉय करेंगे बराबर है ना यहां पे फिर फिर से वो ब्लैंक मिसिंग है आपको चाहिए तो एथ सेंटेंस इधर जगह है तो यहां पे लिख के लो टू डैश अ सीक्रेट इज नो लेस देन अ क्राइम टू डैश अ सीक्रेट इज नो लेस देन अ क्राइम ऑफलाइन लाइन नहीं नहीं आप हाइड नहीं कर रहे क्राइम है क्राइम आपको दोस्त ने बोला ये सीक्रेट है और तुम बता दे रहे हो तो वो क्राइम है ना इट इज नॉट लेस देन अ क्राइम किसी की सीक्रेट आउट करना इज नॉट लेस देन अ क्राइम मतलब यू आर कहा गया हाँ टू डाइवर्ज मतलब ओपन आउट अबाउट अ सीक्रेट डाइवर्ज इज ओपन आउट ये क्राइम है बोल रहे हैं ना तुमने सीक्रेट हाइट किया तो क्राइम थोड़ी हुआ तो अच्छी बात हुई ना दोस्त ने तुमको ट्रस्ट करके सीक्रेट बताया और तुमने उसको ट्रस्ट उसका रखा और किसी को उसका सीक्रेट नहीं बताया तो ये अच्छी बात हुई लेकिन तुमने उसका सीक्रेट सबको जाके बता दिया तो ये इट्स लाइक अ क्राइम टू डाइवर्ज सीक्रेट देखो मैंने यहां लिखा है टू डाइवर्ज अ सीक्रेट इज नॉट लेस देन अ क्राइम इट इज नॉट लेस देन अ क्राइम मतलब ये क्राइम से कम नहीं है समझा क्या डाइवर्ज करना मतलब ओपन कर देना आगे द स्टडी ऑफ कोडिंग डी कोडिंग इनवॉल्व वेरियस डैश क्लूज कोडिंग डी कोडिंग क्या होता है हेल्थी क्लूज वर्बोज ऑब्बियस नहीं क्या होता है क्रिप्टिक आपके मैसेजेस कोड्स में आते हैं ना कोडिंग यार उसका मैसेज वॉज अ वेरी क्रिप्टिक मैसेज मतलब क्या बोलना चाह रही थी समझा नहीं उसमें कुछ हिडन मीडिंग मीनिंग होगा तो कोडिंग डी कोडिंग इज ऑल अबाउट क्रिप्टिंग क्रिप्टिंग है कि नहीं आप जो लेक्चर्स देखते हो वो भी क्या होता है एनक्रिप्टेड होता है एनक्रिप्टेड एनक्रिप्टिंग ये उसका वर्ब हो गया क्रिप्टिक इज अ कि मैसेज क्रिप्टिक था कुछ तो उसमें हिडन मैसेज है कोड होगा द द द द डैश ये क्या है? The, क्या है है पे रिच दैश क्यान हैज डोनेटेड अ डैश अमाउंट फ्रॉम हिज सेविंग्स कलोसल का मतलब होता है लार्ज बहुत बड़ा तो बहुत रिच बिजनेस मैन हैज डोनेटेड अ तो लार्ज अमाउंट फ्रॉम हिज सेविंग्स आपको ना जस्ट कभी देखना होगा ना तो एक बार आप देखना आम, विप्रो कंपनी के जो चेयरमैन थे प्रेम जी जस्ट रीड अबाउट हिम एंड सी हाउ मच डोनेशन ही ही गिवन तो हैज मेड अ प्लेज ऑफ डोनेटिंग अबाउट 80 और ऐसे कुछ परसेंटेज अभी मुझे याद नहीं है जितना भी मैं ऑन करूंगा उतना मैं वेल्थ डोनेट करूंगा यू कैन जस्ट गूगल एंड सी कि मिस्टर प्रेम जी हैज डोनेटेड हाउ मच मनी टिल नाउ एंड यू जस्ट वॉच हाउ मच डोनेटेड देर आर पीपल हु रियली डोनेट अमाउंट ऑफ मनी इन लोगों को फिलेंट्रोपिस्ट बोलते हैं फिलेंट्रोपिस्ट मतलब जो लोग बहुत अपने कमाए कमाई में से बहुत पैसे डोनेट करते हैं देखना जरा क्या है मिला कि नहीं सेवेंटी 79.04 billion in financial year 1920, in financial year, 1920. he do, he donates like a huge amount he has made a pledge that itna percentage donate karne wala, whatever i earn and uh, he is completing and he does donation every year he is donating a huge amount so you can just read about him विप्रो कंपनी उन्होंने फॉर्म uh, की थी विप्रो विप्रो ही था हाँ विप्रो कुछ और उनके फादर का कुछ और बिजनेस था आई थिंक यस एक शॉप थी एंड वो सम सेलिंग सम प्रोडक्ट था ट्रेडिंग था शैम्पूज या इवन आई थिंक डिटर्जेंट पाउडर होगा सोप होगा एंड देन ही स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर कंपनी यूजिंग दैट नेम ओनली एंड देन हीज ग्रोन फ्रॉम देअर उनका रिलीजन अभी बहुत ध्यान से देखना कि हाउ ही इज ही बिलोंग्स टू द मुस्लिम कम्युनिटी सो ही वॉज इन्वाइटेड बाई वन ऑफ द कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज सेंग दैट वील यू एन अवार्ड ऑफ अ मुस्लिम लीडर और समथिंग तो ही रिफ्यूज टू गो देर ही एड आई डोंट वॉन्ट दैट अवार्ड आई वॉन्ट एन अवार्ड इफ़ यू गिव मी एज अ इंडियन बिजनेस मैन और यू वॉन्ट टू गिव मी डोंट गिव मी एन अवार्ड फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी बट आई वॉन्ट एन अवार्ड फॉर अ ह्यूमन के हिसाब से आप दोगे या इंडियन के हिसाब से आप दोगे तो आई कम टू एक्सेप्ट द अवार्ड रियली हैव अ वेरी वेरी नाइस लेवल ऑफ थिंकिंग देर ही इज कॉल्ड एंड ही वैन पीपल डोनेट अ लॉट ऑफ मनी दे कॉल्ड एज फिलेंथ्रोपिस्ट ही इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट ठीक है हाँ अभी एक ही सेकेंड खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट टाइम जस्ट मैं देखती हूँ कि अम, क्या क्या पेंडिंग है और कुछ मैं आपको अगर होमवर्क के लिए दे सकती हूँ तो कुछ होमवर्क दूंगी तो आप करके आओगे क्या क्या नहीं क्या नहीं क्या आई कैन यू डू दिस एक्सरसाइज ये मुझे बताने की जरूरत नहीं आप खुद से ट्राई कर सकते हो इफ यू सी दिस एक्सरसाइज ये आप होमवर्क के लिए प्लीज कर दो ना पेज नंबर बता दो क्या है कैन यू जस्ट टेल मी देज नंबर बेटर थर्टी सेवन सो पेज थर्टी सेवन आई वॉन्ट यू टू डू दिस एक्सरसाइज फॉर होमवर्क ना देर इज अ प्रीफिक्स एंड सफिक्स एक रूट वर्ड होता है और ये क्या है प्रीफिक्स आई हैव नेवर सीन क्वेश्चन आस्ट ऑन दिस यार बट ठीक है अब मेरा अगर मैं बोलूँ तो आप मेरे हिसाब से आई हैव कम्प्लीटेड द सिलेबस दिस इज ऑल एक्स्ट्रा दैट वीर स्टार्टिंग इसमें इस सब एक एक मार्क के लिए एंटोनिम्स इनोनिम वो हो गया इडियम्स एक आध मार्क के लिए आएगा अभी कितना इस पर और वेटेज ज़्यादा नहीं होगा ये प्रीफिक्स मतलब कोई भी शब्द आप एक रूट वर्ड है उसके पहले डालते हो सफिक्स मतलब बाद में डालते हो जैसे कि प्लेस अब इन्होंने आपको ऑप्शन दिए है यूज ट्वाइस अच्छा ज्यादा दो ही बार यूज करना है डी ओवर एंटी प्री एंड डिसन से डिसप्लेस तो आपको ऐसे करना है कोड के यहां में क्या कर सकती हूं डी कोड तो ऐसे आपको ये जो वन टू टेन है ये आपको कंप्लीट करना है आप कर दो अभी कर दो एक ही सेकंड लगेगा कर दो अभी एक्सरसाइज कौन से पेज पे है हा लेट्स फिनिश दिस एंड देन आई स्टॉप हो गया हो गया है कौन साची, हो गया है हाँ अब बी खत्म ही हो गया अभी कुछ बचा ही नहीं है ये सब ग्रामर वाला ही है तो so, मेरे हिसाब से बीसीआर पढ़ा के अभी हो ही गया है मेरा वट एवर देर इज एक्स्ट्रा बता दो अभी ये देखो डिस प्लेस डी कोड प्रीवेंट एंटी सोशल अच्छा अलग भी आ सकते हैं आपका कुछ और भी आ सकता है क्या होगा तो बता दो हा क्या किया है? ओवर एज कहाज हा तो यहां दो एंटी एजिंग भी होता है ना एंटी एजिंग नहीं क्या होता एंटी एज और ओवर एज हां अब एक एक चेक करती हूं डिसप्लेस डी कोड प्रिवेंट एंटी सोशल डिस ओवर रिएक्ट ओवर एक्ट सॉरी एंटीसेप्टिक ओवर एज डिपेंड प्रिजर्व एंड डिजर्व भी है प्री या डी तो आपने जो दो बार ये यूज करना है ऐसे बोला है तो जहां जैसे यूज किया होगा सर्व का प्रिजर्व भी हो सकता है या डिजर्व भी हो सकता है समझ में आ गया क्या ओके okay. अब आप क्वेश्चन नंबर टू होमवर्क के लिए करना डिक्शनरी यूज करना पड़ेगा आपको ये कौन सा है क्वेश्चन नंबर टू ऑन वॉट पेज हाँ पेज थर्टी ठीक है क्या ओह अभी डन क्या ठीक है आई एंड मीट टुमारो मोस्टली विल ट्राई एंड फिनिश इट टुमारो हम कोशिश करेंगे कि कल ही खत्म करें आप अगर आर्टिकल्स लेके आओगे तो फटाफट -फड़ से पढ़ लेंगे बट मेरे आर्टिकल रीडिंग से आपका कोई भला ज्यादा नहीं होने वाला है uh, मुझ पे डिपेंड नहीं रहना आपको खुद करना है मतलब करंट अफेयर्स और ये सब आगे भी ढाई महीने बचे और ठीक है ना Yes. So thank you, dear students. I'll see you tomorrow. Bye bye. 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 See you.